मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, एंड थैंक यू मेरे कोच को, दिल से धन्यवाद। नाइस नाइस, बहुत सुंदर, तो सुंदर से क्लैपिंग करेंगे। कोच को क्यों धन्यवाद बोलना है, क्योंकि वो आपके बारे में नहीं सोचते, चाहे वो आपको कैसे भी यहाँ पे लेके आए, जबरदस्ती लेके आए हैं, आपको प्यार से लेके आए हैं, लेकिन उन्होंने आपके बारे में सोचा नहीं, तो अभी जितना था ना 3 किलो जो कम हुआ है वो उतना ही रहता और मे बी शायद प्लस हो जाता है ना। तो जरूरी है अपने कोच को थैंक्स बोलना। अभी कौशिक एंड पारुल उनके पास चलेंगे, क्या रिजल्ट मिल रहा है मैडम को? यस, अपने आप को अनम्यूट करेंगे पारुल जी। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम पारुल शर्मा है, मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ और मुझे इस क्लब में आए हुए 4.5 महीने होने वाले हैं तब, और मैं इस क्लब में अपना वेट लूज करने के लिए ही आई थी। अब 4.5 महीने में मैम मेरा 11 kg वेट लूज हो गया है, गैस्ट्रिक ट्रबल बिल्कुल खत्म हो गई है, चाय छूट गई है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती मैम, क्योंकि मेरा ये बेस्ट पार्ट है चाय छोड़ना। और मैम मेरे हस्बैंड भी ने ही ज्वाइन किया था, उनका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहने लगा है, उन्होंने भी 12 kg वेट लूज किया है, बच्चे मेरे डायना शेक और नॉर्मल शेक दोनों लेते हैं आपकी गाइडेंस में, और इस क्लब में आने के लिए वेट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू करना चाहूंगी हिमांशी दीदी, जो हिमांशी कौशिक है मेरे कोच, उनके लिए और आपके और पारित सर के लिए। थैंक यू मैम। अरे हिमांशी कौशिक कौन है आपके? वो मेरी जेठानी है वैसे तो। जेठानी ने देवरानी को ठीक किया है ना, क्योंकि ये फैमिली में कनेक्शन चलता रहता है। जब हमारा रिजल्ट आया तो सबसे पहले हम इसको बुलाते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को। तो बहुत ही अमेजिंग है कि हमने अपनी सेहत पे काम करने के बाद में अपने फैमिली मेंबर्स को यहाँ इनवाइट किया उनकी सेहत पे काम करने के लिए। तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट पारुल का आ रहा है, हिमांशी का बहुत अच्छा रिजल्ट है, योगी लोकेश जी का ऑलरेडी उन्होंने शेयर किया है, शुगर जो है उनका नॉर्मल हो गया और साथ में 12 kg वेट कम किया, वेट कम किया तब जाके उनका जो रिजल्ट है वो आना स्टार्ट हुआ, जो शुगर वाला रिजल्ट आया। और यहाँ हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, जब आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाता है। एक रिजल्ट अभी हम लोग कंट्रोल लेने वाले हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग टॉपिक की तरफ, क्योंकि बहुत अमेजिंग सा टॉपिक है और हमारे कोच भी रेडी है, तो पहले लगाएंगे। श्वेता सिंह बोल, प्लीज अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। जी क्या रिजल्ट आपको आ रहा है मैम, और कितने दिन से आपने हमारे साथ ज्वाइन किया है? जी हाँ, बहुत अच्छा है मैम जी। मैं क्या रिजल्ट काम करती हूँ वो हमें यहाँ तक लाए और बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मैं वेट लॉस की थी, कल वेट की थी तो 1 kg कम हुआ था मैम। और पहले कितना कम हुआ है? 74 kg थी तो 72.9 था सर मैम। ओके, अभी मतलब आपने पहली बार ये अपना चेक किया ना? जी हाँ। कैसा लग रहा है आपको बॉडी? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन हो गए? 3 दिन। बहुत नहीं आती थी मैम हमें। बढ़िया। अभी कितने दिन हो गए हमारे साथ में? कितने दिन हो गए ज्वाइन किए हुए आपको? 21 तारीख को की थी मैम। 21 तारीख को आपने ज्वाइन किया था, 29 आज है ना, तो 21 तारीख में आपने ज्वाइन किया, आपका सामान कितने कितने दिन में पहुंच गया था? 3-4 दिन आपको पहुंचने में लगा होगा ना? हाँ, दिन चार। ठीक है, कौन कोच है आपके यहाँ पे? मट्टे से मैं लेना शुरू। कोच कौन है आपके? गीता चौहान। जयवीर जी और गीता चौहान आपके कोच है, तो सुंदर से क्लैपिंग करेंगे जयवीर जी के लिए और गीता जी के लिए और श्वेता जी के लिए। 1 किलो वजन कम हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है, तो सुंदर सी क्लैपिंग सभी के लिए जिन्होंने अपना रिजल्ट आज शेयर किया है। उसी क्लैपिंग के साथ में इनवाइट करेंगे आज के कोच को। आज के कोच है हमारे संजीत जी, उमर टू संजीत जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम संजीत कुमार है, मेरी आवाज क्लियर है? यस क्लियर है सर। मेरा नाम संजीत कुमार है, मैं पद्धति से बिलोंग करता हूँ, तो करीब 3.5 साल हो गए। 3 साल पहले सिस्टम से जुड़ा था, सिस्टम से जुड़ने का जो रीजन था, मैं अपनी वाइफ के लिए यहाँ पे आया था, जिन्होंने आज वर्कआउट कराया, आपने देखा होगा आज वर्कआउट कराया, मैं अपनी वाइफ के लिए यहाँ पे आया था। उनका 106 किलो वजन हो चुका था, अगर स्क्रीन अगर दिख रही है तो आप कम कर दीजिए, स्क्रीन आ गई है। 106 किलो वजन हो गया था इनका, और 106 किलो वजन के साथ यहाँ पे हम कनेक्टेड हुए थे, स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ कनेक्टेड थे, उसके बाद मैंने फेसबुक पे पारी सर का ट्रांसफॉर्मेशन देखा, कोई ना कोई यहाँ पे आता है किसी ना किसी रीजन से और किसी ना किसी के बुलावे से। यहाँ पे मैं आया था फेसबुक के थ्रू, आप लोग किसी ना किसी इनवाइट के थ्रू यहाँ पे पहुंचे, मैं फेसबुक के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड हुआ था पारी सर का रिजल्ट देख के। अपनी वाइफ का चेकअप कराया तो पारी सर ने बताया कि ये बहुत ज्यादा ओवरवेट है,
इनको नी प्रॉब्लम थी, बैक प्रॉब्लम थी, काफी सारे प्रॉब्लम इनको शुरू हो गई थी, हार्मोन अनबैलेंस हो गए थे, साइकिल जो मंत्री साइकिल वो टाइम पे नहीं आ रहा था, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम थी। तो सर ने सर्च करा के न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है इनको, न्यूट्रिशन हमने अपने मैडम को देना शुरू किया और इनका पहले महीने में 2.5 किलो वजन कम हुआ। जब 2.5 किलो वजन कम हुआ तो हमारा विश्वास बढ़ा, विश्वास हमारा बढ़ गया कि हाँ ये तो काम कर रहा भाई। जब काम हुआ और इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा तो इनको 4 से 5 महीने लगे, 4 से 5 महीने में इन्होंने अपना 28 किलो वजन कम किया। 28 किलो जब वजन कम हुआ तो मुझे विश्वास हुआ कि मुझे भी अपने ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि मैं भी भारी भरकम था। ये भी कटरा की फोटो है, पूजा मैम भी गए थे, तो मैं ट्रोली के साथ चल रहा था, वैसे थोड़ा करने फिरने में असमर्थ था, इतना ज्यादा नहीं था। तो 80 किलो से 85 किलो का वजन मेरा रहता था, इस प्रॉब्लम यूरिक एसिड और थायराइड पेशेंट में रहा हूँ। और जब इस नोटिस को मैंने इंटेक किया तो पहले महीने में अपना 8 किलो वजन कम किया, जैसे कल रोहताश जी ने बताया कि उनका रोहताश जी भारद्वाज जी जो थे उन्होंने अपना 11 किलो वजन कम किया, बहुत बढ़िया रिजल्ट था उनका। और मैं अपना 8 किलो वजन कम किया 1 महीने के अंदर, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है रिजल्ट, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है। तो रिजल्ट आया तो सब कुछ ये प्रॉब्लम थी मेरी आज के समय बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसके बाद अपने बेटे पे काम किया, बेटे का मैंने 14 kg वेट हमने गेन कराया है इस न्यूट्रिशन की सहायता से, न्यूट्रिशन पढ़ाई जबरदस्त है। ये हमारा रिजल्ट है जो मोस्टली सोशल मीडिया पे रहता है। बिफोर हर्बल लाइफ हम कुछ इस तरह की पार्टी एंजॉय करते थे, मतलब जो लाइफस्टाइल डिजीज थी, बिफोर हर्बल लाइफ लेट नाइट खाना खाना और खाना खाते सो जाना, पानी पीना, ये सारी चीजें थी, क्योंकि तो पता नहीं था ना क्या खाना क्या नहीं खाना, सारी चीजें यहाँ पे आगे हमने सीखी है। जब यहाँ पे हमने सारी चीजें सीखी तो बदलाव ऐसा आया, आप लोगों के सामने आज आशा जी ने वर्कआउट कराया और ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और मेरे पारिसर है जो उनके लिए क्रैपिंग कर देंगे, मेरे कोच के लिए जिन्होंने जिंदगी बदली है, वेरी गुड। तो आज का जो समय है ये इस लाइन को पढ़िए, इस लाइन को आप पढ़िएगा, आपका स्वास्थ्य ही आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसका एहसास तब होता है जब इंसान खो देते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ कि ये चीज होती है, कितने लोग एग्री करते हैं कि जब मेरा स्वास्थ्य गिर जाता है तब हमें इसका महसूस होता है। और उसके बाद जब बीमारी आ जाती है, जब बीमारी हमारी आ जाती है, इसके नीचे एक लाइन भी पड़ी है, बीमारी आने के स्वास्थ्य का महत्व का पता चलता है ना कि मेरा स्वास्थ्य कितना अनमोल है। हम पैसे डॉक्टर को देते हैं उसको सही करने के लिए, फिर भी वो पहले वाली चीजें नहीं होती है, क्योंकि हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधार नहीं पाते हैं। लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो चुका आज के समय में कि हम ना चाहते हुए अनहेल्दी चीजें खाते हैं, किसी के प्रेशर में खा लेते हैं या किसी के मतलब सोशल सोशलाइजेशन रहता है उस चक्कर में हम खा लेते हैं। बट आज का जो आप लोगों को जो टॉपिक लेके आया हूं मैं, 80% न्यूट्रिशन 20% एक्सरसाइज। अभी 20% का रोल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, सभी लोगों ने एक्सरसाइज की है, वो एक बड़ा सुंदर सी क्लैपिंग कर लेंगे जिन्होंने एक्सरसाइज की है, वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं की है वो भी करेंगे जरूर, क्योंकि 20% रोल बहुत जरूरी है। अगर 1% भी अगर कहीं छूट जाता है तो वो आपका 100% में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो कितना परसेंट आया, 99% नंबर आया, 100% नहीं आया। तो आपको क्या करना है, 80+20 बिल्कुल करना है, तो इसमें जरूरी करना है आपको 100% काम करना है। जब ये एक रूट कोज होता है, मतलब बीमारी का रूट कोज क्या है, किसी को नहीं पता होगा कि बीमारी मेरी आई क्यों है। सबको पता मेरा बेटा मेरे सामने मोटा 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 और मोटा होता चला गया, लेकिन अब जबरदस्ती चाव से खिलाते हैं, बेटा ये खा ले, चाउमीन खा ले, बर्गर खा ले, मेरा सोना बेटा खा ले, ये सारे बेटे खिला लेते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है एक बेटा और अंदर बेटा हो गया है ना, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, पार्क में जाएंगे, घूमेंगे, पता नहीं क्या क्या करते हम, लेकिन फिर भी सोल्यूशन नहीं मिलता। उससे बीमारी कितनी आ रही है, आज के समय में 17 साल के मतलब 11 साल के बेटे को हार्ट अटैक आया है, नोएडा का स्कूल में 11 साल के बेटे को हार्ट अटैक आया है सिर्फ इस ओबेसिटी के कारण। मम्मा पार्क उसमें पैक करके भेजती थी मैगी, बेटा मैगी खाना लंच में, बेटा ये खाना। तो ये देखो ना क्या चीज है, ओबेसिटी जब आती है तो हाइपरटेंशन बढ़ता है, सबसे पहला उसका बीपी बढ़ना शुरू होता है, इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, बीपी बढ़ना शुरू होता है। उसके बाद उसके गाउट्स में प्रॉब्लम आती है, गाउट्स जितने भी ज्वाइंट्स है सब चिकट जाते हैं, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम रही है, जैसे मोटापा बढ़ाया तो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आ रही है, यस। और उसके बाद जो प्रॉब्लम आपकी डायबिटिक, यस डायबिटिक, जैसे मोटापा बढ़ा डायबिटिक का तुरंत पहला दरवाजा डायबिटिक का है, दरवाजा तुरंत है। डायबिटिक किसी को हो जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं जीवन भर आपको टैबलेट खानी पड़ेगी, जीवन भर 3-3 टैबलेट खानी पड़ेगी, खाने के पहले खाने के बाद, वैसी चीज चलती है। और फिर यही रूट कॉज बनता है कैंसर का। काफी लोगों ने मेरे स्टेटस में देखा होगा जो एक वीडियो आ रहा है रिसर्च में, उस जिस पर्सन ने वीडियो बनाई है उसके लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूंगा।
जबरदस्त वीडियो बनाया उस बंदे ने, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कैंसर का रूट को, कैंसर भी चीज हो रही है आजकल जो मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा बढ़ किस तरह है, मोटापा आपके फास्ट फूड से बढ़ रहा है। फास्ट फूड जब हम खा रहे हैं रेगुलर कंटिन्यू में फास्ट फूड हम खा रहे हैं तो हमें कैंसर बन जा रहा है। और फिर ब्रेन स्ट्रोक भी तभी आता है जब आप ये चार चीजें आपको सब हो जाती है कि मुझे ये बीमारी हो गई है, मुझे ये हो गई है, तो बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मेरे साथ कैसा क्या हो गया, तो वो टेंशन में ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम आजकल मतलब सभी लोगों को मोस्टली गॉल ब्लैडर में पित्त की थैली में आजकल स्टोन हो रहा है। ये सब इसी कारण से हो रहा है कि हम समझ नहीं पा रहे हमें कितना पानी पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और लास्ट में हार्ट डिजीज जो एक्सट्रा क्या है, जिम जा रहे हैं जिम जाके वजन उठा रहे हैं, बंदा वहीं फैट हो जा रहा है तुरंत, क्योंकि वहां पर जो कोच है वहां जो गाइडेंस देने वाला है वो सही नहीं है। बिकॉज प्रोटीन की इनके बहुत बोल रहे थे कि प्रोटीन भी कई तरह का होता है, सोया प्रोटीन है ना, और भी कई तरह के प्रोटीन जो हार्मफुल भी होते हैं, हम बात करेंगे इसके लिए। हम काफी चलते हैं लूज वेट की, जो अपना लूज वेट कैसे करना है, काफी लोग प्रोटीन है प्रोटीन डाइट में है इंक्रीज करना चाहिए, बट कौन सा करना चाहिए, वे प्रोटीन इज द हार्मफुल बिकॉज द ओनली जिमर के लिए, ओनली जिमर के लिए होता है। आपको जो प्रोटीन जो क्या दिया है वो सोया प्रोटीन लेना चाहिए, वो इजी टू डाइजेस्ट है, आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, जिससे जैसे मेटाबॉलिज्म आपका इंक्रीज होगा तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, आपका वेट भी धीरे 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 कम होता है। यस भाई, पर मूड कर देंगे सब लोग, सेशन को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे तो बढ़िया रहेगा, यस बाद में बात करेंगे। उसके बाद आपका क्या करना है, यस आपको फास्ट फूड, जैसे मैंने फास्ट फूड के लिए मैंने बोला फास्ट फूड अवॉइड करेंगे आपको हेल्थी और फिट रहने के लिए, वो जरूरी है। म्यूट रखेंगे सब, प्लीज म्यूट एवरीवन, म्यूट कर लेंगे अपना आपको। आप अगर फास्ट फूड खाने के इच्छुक है तो वहां पे आप स्नैक्स लीजिए, फ्रेश फ्रूट खाइए, है ना, आप नट्स खा सकते हैं, आप दही खा सकते हैं, ये आप अपने थोड़ा सा चेंज कीजिए कि मुझे किसकी जगह क्या खाना है। अगर आप शुगर के शौकीन है, यस मेरे से ज्यादा शुगर का शौकीन कोई नहीं होगा, अगर घर में मिठाई आएगी 4 से 5 रसगुल्ले खा सकता हूँ मैं, पर आपकी देखना आपको कितनी कैलोरी मुझे लेनी है, यस अभी सच्ची बोल रहे मैं नहीं खाता हूँ बिल्कुल, तो उसकी जगह क्या सकते हैं आप फूड खा सकते हैं, फूड खाइएगा, हनी खाइएगा, जबरदस्त आपका रिजल्ट आएगा और बदलाव देखिए आपके शरीर में कितना बदलाव आने वाला है। उसके बाद रिफाइंड, जितने भी रिफाइंड है, रिफाइंड कार्ब हार्मफुल, वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, तो ये आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और आप न्यूट्रिशन लीजिए, फाइबर जितने हैं फाइबर, ज्यादा फाइबर आप यूज करेंगे बढ़िया रहेगा। इसके लिए क्या करना है, आपको पता है ना कि ज्यादा ओवरवेटिंग, जितना ओवरईटिंग खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ज्यादा गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेंगे वो भी बोलेंगे कि आपके पेट्रोल में अगर गर्मियों में अगर ज्यादा पेट्रोल डलवाते वो भी बोलते हैं सर ज्यादा नहीं डलवाना चाहिए, पहले कट पे रोक लेना चाहिए। फिर भी काफी लोग नहीं कि और फॉलो कर दो, बिल्कुल कर दो, तो वो हार्मफुल होता है, कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो अपने बॉडी जो हम खाते हैं तो फर्स्ट जो टकरार आती है वो इंडिमेंट है कि आपका टैंक फुल हो गया है, ऊपर से आप और ज्यादा खा रहे हैं तो वो आपका फैट में कन्वर्ट होने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो अंदर भगवान ने भी मशीन लगाई है, जब आप खाना खाते हैं तो एक इंटीमेट आता है टकार फर्स्ट टाइम की जो आती है कि हाँ यार खाना हो गया पूरा, उसके बाद आप जो खा रहे थे वो सारा आपके लिए बेकार है, आप मत खाइएगा। आप देखिए अपने बॉडी को, वेट लूज करने के लिए और स्पीड से चलेंगे तो बेटर रहेगा, अपना जितना कैलोरी बर्न करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपके लिए बॉडी के लिए सही रहेगा। कैलोरी बर्न जितना ना करेंगे उतना वेट आपका धीरे 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 कम होता चला जाएगा। और मैं खाना, देखो हम ये नहीं कहते हैं खाना बंद कर दो, खाना कैलोरी के हिसाब से करना है, एक बॉडी को जो है 1600 से 2200 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है एक स्वस्थ आदमी को, उससे ज्यादा कैलोरी आप ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगी आपको, थोड़ा ध्यान रखना है, अपने आप को मेंटेन करना है। काफी लोग हैं तो सोचते होंगे, यस काफी लोग सोचते होंगे कि मैं तो कम खाना खा के ही अपना वेट लॉस कर लूंगा, कम खाना खाना भी वेट लॉस के लिए हानिकारक है, काफी लोग कर लेते हैं वेट लॉस बट उनकी जो स्किन है उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल गिर जाता है, वो उनको थकान इतनी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा थकान होने लगती है, बीमारियों की शिकायत उनको जाती है, गॉल स्टोन जो बोलते हैं ना जो स्टोन बनना शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ वो ना कैलोरी ले रहे हैं पानी भी नहीं पी रहे हैं, सिर्फ रोटी कम कर देते हैं वहां पे कि रोटी नहीं खाएंगे हम, एक टाइम की दो टाइम का मील स्किप कर देते हैं, वो वेरी हार्मफुल होता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत उनको शुरू होती है, हार्ट की प्रॉब्लम, तो भाई हार्ट को तो काम करना है, हार्ट को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो चाहिए, हार्ट के लिए तो बहुत जरूरी न्यूट्रिशन
में आपका 8 से 9 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट वगैरह चाहिए, ब्रेकफास्ट में जो मर्जी खाओ आप, अगर इस क्लब में जुड़े हो तो क्लब में जो सुंदर सा शेख है उन्होंने वो जरूर किए, अदरवाइज जहाँ पे आप है अपने जो नीले बारह सुबह को उनको बोलिए ब्रेकफास्ट में जरूर खाए, खाली पेट जो रहते हैं वो उनके लिए बहुत हार्मफुल है, अनीमिया की शिकायत उनको जाती है और मसल्स मसल्स जो मसल्स आपके डाउन होने से होते हैं, मसल्स आपके कितने से होते हैं गाउट्स की प्रॉब्लम मैंने बताई थी, ये प्रॉब्लम सब रहती है। अब हम सुबह कितने लोग हैं जो सुबह 10 से उठना पसंद नहीं करते हैं, कितने लोग हैं जो सुबह उठना पसंद नहीं करते हैं, मेरे स्क्रीन पे किसी का हैंड रेज नहीं हुआ कि सुबह उठना पसंद नहीं करता है, क्योंकि सुबह बिस्तर से वो जल्दी उठता है तो धनवान और बुद्धिमान बनता है आदमी। आजकल जो हमारे कलम में जो चल रहा है अफर्मेशन टाइम, वेरी गुड, मैं सर के लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा, ये एक हमें आइडिया दिया कि सुबह उठ के अफर्मेशन कीजिए आप, यस। उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आप कितना भी सारा धन खर्च कर देंगे ना, कितना भी धन खर्च कर देंगे फिर भी वो स्वास्थ्य आपको मिलने वाला नहीं है, तो अपने स्वास्थ्य की जो देखभाल आपको खुद करनी है आप उसका आनंद लीजिए। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए आपको हर रोज खाना रोज खाते हैं आप लोग, पानी रोज पीते हैं तो हम व्यायाम करना भूल के जाते हैं, तो इसको हैबिट बना लीजिए कि हमें डेली खाना खाना है तो डेली व्यायाम भी करना हमें बहुत जरूरी है। जो ये सोचते कसरत करने का उनके पास समय नहीं है, वो जल्दी बीमार पड़ने के लिए समय निकलना पड़ेगा, एक ध्यान लिख लो, जो ये सोचते हैं मेरे पास समय नहीं है एक्सरसाइज करने का तो उनको बीमार होने के लिए समय निकालना पड़ेगा। कितने लोग मेरी बात से एग्री है, कितने लोग अभी बिस्तर पे है, अभी लोग काफी लोग है, मैं पर्सनली मिलकर आऊंगा एक पर्सन से बात करें, राजरानी जी सच में सब कुछ मोह माया है, सब कुछ मोह माया है, पैसों की कमी नहीं है, सब कुछ उनके पास है, सिर्फ उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, साथ देने वाला कोई नहीं, बिस्तर पे पड़े हैं तो बिस्तर पे ही पड़े हैं, उनको जिंदगी अपनी खुद काटनी है ना, अपने स्वास्थ्य की शुरू से ही रक्षा करें, अपने बच्चों को शुरू से ही वो नींव पैदा करें ताकि वो बीमारी ना हो, ये जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है। इनको देखिए, ये उदय सिंह है, कितने लोग उनको जानते हैं, 109 साल की एज में भी, 109 साल की एज में भी ये बंदा इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज करता है, किलोमीटर में दौड़ता है, किलोमीटर में दौड़ता है, अल्कोहल का सेवन आज तक नहीं किया उन्होंने, स्मोकिंग का सेवन आज तक नहीं किया है, इसलिए 109 साल की एज में भी ये बंदा दौड़ रहा है और बिल्कुल आराम से हल्का, मतलब उनका जो खाना है ना, आप इनकी डाइट देखिए, बिल्कुल सिंपल फुलका लेते हैं, ग्रीन वेजिटेबल लेते हैं, दही का सेवन जरूर करते हैं, पराठा पकौड़ा इनको पता ही नहीं क्या चीज होती है, पराठा पकौड़ा इनको पता ही नहीं क्या चीज होती है, जो भाई पूरा आज तक इन्होंने टच नहीं किया है और जिंदगी को जी रहे हैं, मतलब काट नहीं रहे जिंदगी को जी रहे हैं, ऑपरेशन बने हुए लोगों के लिए, हाँ मुझे फौजा सिंह जैसा बनना है, मुझे ऐसे धावक बनना है, मुझे ऐसे दौड़ना है, मैं 80 साल की एज में दौड़ू, मैं क्यों ना 109 साल की एज में दौड़ू, तो मुझे अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना है, मुझे अपनी डाइट में चेंज करना है। यस, राजेंद्र सिंह 73 साल की एज में भी स्किपिंग सिख के नाम से जाने जाते हैं, कंटिन्यू 400 से 500 स्किपिंग कंटिन्यू करना इस एज में कितनी बड़ी बात है ना, वेजिटेबल का सहारा इनके पास है, वेजिटेबल लेते हैं, लेट्स लोट्स ऑफ वाटर का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं, जबरदस्त, मतलब इनका जो देखोगे ना अभी भी चेहरे पे तेज, 70 साल की एज में तेज देखो इनके चेहरे पे, तो इन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को बदला है, इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया के लिए एक आइडिया दे, तो हमें एक ऐसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं जहाँ पे हम चीज सिखा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि अपने जीवन को कैसे आगे तक ले जा सकते हैं, कैसे अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं, बीमारी पे पैसा खर्च करने से बेटर है अपने शरीर पे खर्च करें, मेरा तो मानना ही है, जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर का जो बोलते ना कोई वो नहीं है, डॉक्टर ने इतना लिख के दे दिया, वो पैसा जमा करना पड़ेगा आपको, और बीमारी छोटी नहीं होती है, हर बीमारी बड़ी होती है, बीमारी को कभी छोटा मत समझिए, जब भी आपको लगे कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है तुरंत अपने कोच से बात करें। यस, और ये कुछ आसन है जो मैं बोलता हूँ हमेशा, ओके, व्यायाम और प्राणायाम का हमेशा साथ रहा है, योग का साथ रहा है, तो जरूर अपने भुजंग आसन, मदासन, ये जितनी भी चीजें जो आप कर सकते हो, मॉडरेट एक्सरसाइज वो जरूर करें, क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं है, पानी को चलने के लिए भाव चाहिए ना, रास्ता अपना बना लेता है, बस आप एक बार आइएगा इस क्लब में, रास्ता अपना अपना बना लेंगे, मुझे कैसे एक्सरसाइज करनी है, कितनी कैप करनी है, वो सब यहाँ पे सिखाई जाती है। और लास्ट में ये आर्टिस्ट क्लब के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप नहीं चलोगे तो दवाई चलेगी, चलेगा कुछ ना कुछ तो चलेगा, तो अपने आपको चलने की हैबिट डालिए कि मुझे चलना है। थैंक यू आप लोग, मुझे सुना, हो सकता है
लेके आ जाए। थैंक यू मैम, आज मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू ऑल टू मैम। यस मैम, यस, तो सुंदर से क्लैपिंग करेंगे संजीत जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक, अब ये आपके हाथ में है, आपने उससे क्या लिया, मैंने तो बहुत कुछ लिया है ना, एक पर्सन जो ओल्ड एज में है लेकिन वो ओल्ड एज शो नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ऊर्जा सिंह के का एग्जांपल संजीत जी ने दिया और मैं रियल में उनको फॉलो करती हूँ, कई बार उनका जो वीडियोज है वो मैं देखती हूँ और मतलब इंस्पायर होते हैं कि अगर हम अपना लाइफ स्टाइल को अच्छा रखते हैं तो भगवान ने जितनी उम्र हमारी बना के भेजी है 100 साल के लिए डिजाइन है इंसान की उम्र, और बीमारियां जो लग जाती हैं उसको 30-40 साल में ही लगनी शुरू हो गई है। अगर हम ध्यान रखते हैं अपने शरीर का तो 100 साल तक हम आराम से पहुंच सकते हैं, है ना, लेकिन ध्यान नहीं रखा जाता है जिसकी वजह से दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। या लाइफ स्टाइल फिट क्लब आपकी हेल्प करता है वो गलत आदतें छुड़वाने के लिए जो जाने अनजाने हमारे दिनचर्या में एंटर कर जाती है ना। तो अभी के टाइम पे आपको जरूरत है अपने कोच के साथ बैठने की कि किस तरह से हम अपनी जो आदतें रह गई हैं, जो छोड़ दी हैं वो तो छोड़ दी, जो रह गई है उनको कैसे छोड़े। हम दुनिया के साथ बैठे दिन भर बच्चों के साथ होते हैं, सबके साथ हैं, लेकिन अपने साथ हम कभी नहीं होते हैं। वो टाइम ऐसा होता है कि आप अपने साथ बैठिए, आपकी बॉडी आपको क्या बोलना चाह रही है, आपका शरीर आपको क्या बोलना चाह रहा है, आप सुनिए उसके। तो इसी के साथ में अभी हम लोग सेशन क्लोज करेंगे क्योंकि टाइम काफी हो चला है और इवनिंग में आपने टाइम से ज्वाइन करना है एक नई जानकारी के लिए, है ना, एक नया रिजल्ट सुनने के लिए। तो क्या आप इवनिंग में टाइम से ज्वाइन करने वाले हैं सभी? यस। तो इसी फीलिंग के साथ में कि हम लोग टाइम से ज्वाइन करेंगे, वर्कआउट करेंगे और आपका दिन बहुत अच्छा निकलने वाला है क्योंकि आपने मॉर्निंग में अफर्मेशन की है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।